अभी हम हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे है, आपको हम वहाँ बाहर दिखा देते हैं। हम लोग एसी वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, बाहर पूरी भीड़ लगी हुई है, अभी सीधे है ना, तो सब लोग वैष्णो देवी के लिए भीड़ है। और वहाँ भी देख लीजिए, हमें किसी तरह सीट मिली है, अभी तो खाली है, अभी सब लोग जा चुके हैं तो अभी सारी सीट्स खाली हुई हैं। तो फिर मैंने अभी अभी सोचा कि चलो ब्लॉक करते हैं, तो अभी मैं आपको ट्रेन में भी बैठूंगी, तो इसका पूरा व्लॉग होने वाला, बीच में कुछ भी मिस नहीं होने वाला है। वैष्णो देवी मंदिर भी जाएंगे हम, वहाँ भी आपको दिखाएंगे जितना हो पाएगा हमारा, चढ़ाई उतराई जितनी भी होगी। सो अभी मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, हम थोड़ी देर बाद ट्रेन में बैठेंगे तो तब मिलते हैं, बाय। हेलो गाइस, तो अभी हमारी ट्रेन आने वाली है, कभी भी आ जाएगी उस साइड से, उस साइड से वो ट्रेन के अंदर जाके आपको बताएंगे, ठीक है। हेलो, तो हमारी ट्रेन आ चुकी है, पीछे रहो। फिलहाल 11:17 में ही चलते हैं। हेलो, अब हम अपनी ट्रेन पे चढ़ रहे हैं, चलो। ओके ओके ओके, काफी भारी है। 17 तो चलो, ये रही हमारी सीट, या 17। सो गाइस, अभी हम लोग 300 उतर चुके हैं, अभी आपको मैं इसलिए लिखी होंगी, अभी अभी हम उठे हैं। तो अभी हम लोग आते हैं कटरा स्टेशन, तो आप देख लीजिए एक बार, यहाँ से हम लोग जाएंगे वैष्णो देवी और फिर होटल में जाएंगे हम अपने। तो अभी तो ये थी मेरी ट्रेन, इसका उतर गए हैं। हम लोग लेमन ट्री होटल में रुके थे और लेमन ट्री होटल रेलवे स्टेशन से सिर्फ मुश्किल से 400-500 मीटर्स ही है, इसलिए आप लोग वहाँ पर पैदल भी जा सकते हैं, ऑटो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने होटल पहुँच चुके हैं, अभी बस अंदर जाना है, यहाँ का ऊपर उबर खबर है। लेमन ट्री होटल एक अच्छा होटल हमको लगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कोई 5-स्टार होटल है या यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं, तो ऐसा नहीं है। वैष्णो देवी होने के नाते ये एक नॉर्मल सा होटल है, देखने में आपको ठीक ठाक लगेगा, लेकिन अगर हम रूम्स की बात करें तो रूम्स मुझे एवरेज लगे, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा लग्जूरियस भी नहीं थे, और मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस भी क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, इसलिए उस हिसाब से ये होटल रूम्स ठीक थे। कुल मिलाकर लेमन ट्री होटल ठीक ठाक लगा मुझे, बाकी होटल्स के मुकाबले तो अच्छा ही लगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत लग्जूरियस होटल्स नहीं हैं, लोग यहाँ पर धार्मिक उद्देश्यों से आते हैं, लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए नहीं शायद इसलिए। इसके अलावा यहाँ पर फूड ऑप्शन बहुत ही कम लगे मुझे इस होटल में, इनके मेन्यू में, लेकिन अगर मैं उनके बुफे की बात करूँ तो मुझे बुफे ठीक लगा। रूम आप देख ही सकते हैं कि ठीक ठाक है, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन रूम ठीक था और हमें ऐसी यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, रूम सर्विस भी ठीक थी, क्लीनिंग भी ठीक थी,
ओवरऑल मैं इस होटल को देना चाहूँगी 6/10। एक इन्फॉर्मेशन और कि कटरा में कहीं से भी आपको वैष्णो देवी के दर्शन नहीं होते, आपको यहाँ से हर जगह से सिर्फ अर्धकुमारी ही दिखाई देता है। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, हम होटल से निकल गए, वो है हमारा होटल। सो अभी हम देखते हैं हम क्या जाएंगे, पैदल जाएंगे या कैसे। तो हम अभी हम लोग जा रहे हैं चार जगहों पे घूमने, ये भैया हमें घुमाएंगे अभी। सो मिलते हैं जब हम पहली जगह पे पहुंच जाएंगे। हमें क्योंकि वैष्णो देवी अगले दिन जाना था मंदिर के दर्शन करने, इसलिए हमने एक ऑटो बुक कराया। यहाँ पर ये ऑटो आपको 1100 1200 से लेकर 1500 के बीच मिल सकते हैं। यह आपको कटरा के मेन मेन पॉइंट्स में घुमा देते हैं और इनका एक्सपीरियंस मुझे तो काफ़ी अच्छा रहा। अगर आप लोग कटरा में एक्स्ट्रा रुकने वाले हैं तो ज़रूर इन जगहों के दर्शन कर सकते हैं। अभी हम आ गए हैं बाबा जिंतो जी के मंदिर में, अभी हम अंदर जाते हैं व्हाइट एंड रेड। अभी चलो हम लोग अंदर चलते हैं। प्रसाद नहीं मिला, इसकी फोटो लेना। ये बाबा जीतो जी की मूर्ति है और इस मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है कि ये वैष्णो देवी की तरफ देख रहे हैं, तो मुझे ये मूर्ति काफी अट्रैक्टिव लगी। गाइस अभी हम आ गए हैं नौ देवी और वहाँ हमें एक राधे की है पानी के अंदर और इस तरह का। तो अभी हमें थोड़ा नीचे जाना है उतर उतर के, सो लेट्स गो। राधे की और यहाँ लगभग 30 सीढ़ियाँ हैं और नीचे उतरना है इधर से। क्या हुआ? वो दो सिक्के खड़े हुए मैंने लगाए हैं। वही पूछो। पुरुषों के लिए अच्छा नहीं, वाला साफ है ना, ये वाला साफ जगह है। Hey guys, आना दर्शन करने के बाद ना। अब हम आ चुके हैं वाटरफॉल। बाबा धाम यहाँ पे भी बहुत सारे सिक्के हैं। उसके नीचे है क्या? चलो इस झील के अंदर उतरना सख्त मना है। यहाँ नीचे एक नदी है, इसमें आप आराम से नहा सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ्रेश वाटर है। Ah.
हम अपने होटल के रूम में और हमारा खाना वाना आ गया है अभी इवनिंग स्नैक्स टाइप. सो दिस इज काठी रोल, ये और ये है फ्रूट कस्टर्ड और ये नॉर्मल चटनी कुछ भी हो. सो अभी हम लोग ये खाने वाले हैं. सो मैं अभी आपको खा के बताती हूँ कि ये खाना कैसा था. सो जो काठी रोल था वो तो सो ही था, लेकिन जो ये हमने कस्टर्ड मंगाया था ये बहुत टेस्टी था. अगर लाइक वनीला आइसक्रीम प्लस फ्रूट्स ऐसे टाइप का था, बट ये ठीक ठाक ब्लेंड टेस्ट था इसका. सो अब हम थोड़ी देर में आपको मिलेंगे. अब हम आपको दिखाएंगे लेमन ट्री होटल का ब्रेकफास्ट बुफे. ब्रेकफास्ट बुफे मुझे यहाँ का काफ़ी अच्छा लगा. काफ़ी सारी वैरायटी थी साउथ इंडियंस के लिए भी और साथ में नॉर्थ इंडियंस के लिए भी. मुझे इनका वनीला मिल्क शेक बहुत अच्छा लगा. इसके अलावा दो तरह के और जूसेस भी थे और छाछ वगैरह भी थी. तो इनका ये जो बुफे है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी इसमें वैरायटी है. इसमें कॉर्नफ्लेक्स है, कॉर्नफ्लेक्स भी दो तरह के, चाय कॉफ़ी. इसके अलावा ब्रेड थी ब्राउन एंड वाइट, आलू की सब्जी, सांभर, इडली, चटनियाँ. इसके अलावा पराठे, पूरी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें उत्पम है, काले चने हैं. काले चने यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर हैं. इसके अलावा सैंडविच वगैरह भी यहाँ पर अवेलेबल था. इसके अलावा कभी पोहा मिल रहा था, कभी नमकीन जवे मिल रहे थे. मीठे में भी अच्छी वैरायटी थी, हलवा, खीर, कभी साबूदाने की खीर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी. और मुझे यहाँ का ब्रेकफास्ट बुफे काफ़ी पसंद आया. इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह का जो आइटम था वो अलग से रखा हुआ था. इसके बाद हम हेलीपैड जाने के लिए निकले. हमारी हेलीकॉप्टर की बुकिंग थी, लेकिन एक गड़बड़ हो गई बुकिंग के दौरान कि हमने उल्टा रिजर्वेशन करा लिया, यानी कि सांझी छत से कटरा की तरफ. और हमें ये चीज़ पता ही नहीं थी. जब हम लोग हेलीपैड पर पहुँचे, वहाँ पर टिकट देखकर पता चला कि हमारी उल्टी बुकिंग है. उसके बाद हम लोगों को वापस भेज दिया गया. यहाँ से बुकिंग कैंसिल होने के बाद हम लोग निहारिका कॉम्प्लेक्स पहुँचे. एक बात मैं आपको और बता दूं कि ऊपर मंदिर जाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना एक आई कार्ड इश्यू कराएं. ये आई कार्ड आपको हर समय गले में पहनना होता है और इसको इश्यू कराने के लिए कई जगह पर व्यवस्था है. अगर आप लोग निहारिका कॉम्प्लेक्स में स्टे करते हैं तो वहीं से आपको आई कार्ड इशू हो जाएगा, लेकिन अगर आप वहाँ पर रुके हुए नहीं हैं तो आपको वहाँ से ये कार्ड इशू नहीं होगा. हम लोग अगले 4 घंटों तक हेलीकॉप्टर की लाइन में लगे रहे, लेकिन हमें चौपर का टिकट नहीं मिला. उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब हम लोग घोड़ों की सहायता से ही वैष्णो देवी जाएंगे. गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर वैष्णो देवी मंदिर की तरफ. तो आई थिंक अभी हम लोग एक घोड़ा करेंगे ऊपर के लिए और नीचे तो हम खुद ही आएंगे, क्योंकि अगर हम ऊपर नीचे दोनों एक साथ गए तो हमारे टांगे, हाथ पैर, पीठ सब टूट जाएंगे. तो देखते हैं हम आगे जाकर एक घोड़ा करते हैं. जो घोड़ों के रेट्स हैं वो यहाँ पर 1250 हैं, लेकिन ऊपर से घोड़े वाले 500 रुपीज़ तक एक्स्ट्रा मांगते हैं. ऐसे ही जितने भी रेट्स हैं पिट्ठू के या किसी भी चीज़ के पालकी के, वो सरकार ने हालांकि निर्धारित किए हुए हैं, लेकिन ऊपर से ये लोग आपसे ज़रूर पैसे मांगेंगे और हमेशा ये लोग ऊपर जाके आपसे एक्स्ट्रा पैसे भी मांगेंगे. लेकिन यहाँ पर यही व्यवस्था चली आ रही है. ये लोग आपको ये बात पहले ही बता देते हैं, तो आप लोग इसी हिसाब से प्रिपेयर होकर वहाँ पर जाइए. अब बच्चों को कैरी करने के लिए ये लोग बच्चों को पीठ पर लाद कर नहीं ले जाते हैं जैसे पहले होता था. अब यहाँ पर प्रैम वगैरह की सुविधा हो गई है और 8 से 10 साल तक के बच्चे भी उस प्रैम में बैठ सकते हैं. मैंने तो कुछ बहुत एजेड लोगों को भी उन प्रैम्स में बैठे हुए देखा, मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लगा, लेकिन कुछ बड़े लोग भी प्रैम में बैठे हुए दिखाई दिए, जो कि काफ़ी ऑड था. घोड़ों में बैठकर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब तो चारों ओर रेलिंग लग गई है, तो ऐसा भी नहीं है कि घोड़े खाई में गिर जाएंगे या ऐसा कुछ डर हो. लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप लंबे समय तक घोड़े में बैठते हैं, स्पेशली आते हुए भी और जाते हुए भी, तो आपके कमर, पैरों, हर जगह बहुत दर्द होगा. ये जो मार्केट दिख रहा है, ये शुरू के 2-3 किलोमीटर तक आपको काफ़ी अच्छा मार्केट दिखेगा. काफ़ी मज़ा आता है इस मार्केट में शॉपिंग करने में या फिर यहाँ पर मसाज चेयर्स हैं मसाज कराने में. लेकिन आगे जाकर ये मार्केट जल्दी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आपको खाली रास्ता दिखाई देगा. घोड़े में एक और प्रॉब्लम है कि जो लोग पैदल चलते हैं उनको घोड़ों से चोट लगने की काफ़ी संभावनाएं होती हैं. हमारे घोड़ों के नीचे भी या आसपास भी
काफी सारे लोग आते जा रहे थे और मना करने के बावजूद भी कई लोग घोड़ों से टकरा गए। हालांकि घोड़ों के लिए अलग रास्ता है ज्यादातर जगह, लेकिन लोग उसी पिंटू पालकी वाले रास्ते पर चलते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि अलग रास्ता है। यहाँ पर कुछ व्यवस्था होनी चाहिए लोगों को बताने के लिए, ताकि वो लोग घोड़ों के रास्ते में ना आए। बाकी सब कुछ यहाँ पर ठीक लगा। घोड़ों में ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट हुआ। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो घोड़े हैं ये आपको सीधे वैष्णो देवी मंदिर तक पहुँचा देंगे, तो ऐसा नहीं है। बीच बीच में आपको ऐसी सीढ़ियाँ भी मिलेंगी अगर आप लोग पैदल जा रहे हैं। लेकिन जो हार्ट पेशेंट है वो इन सीढ़ियों को ना लें, लेकिन अगर इन सीढ़ियों को कोई लेता है तो दूरी काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि अगर हम इस स्लोप से जाते हैं तो रास्ता काफ़ी लंबा है। लेकिन सीढ़ियाँ कई जगह तो 550 सीढ़ियाँ भी हैं, तो ये जो सीढ़ियाँ ये स्ट्रेट आपको ऊपर लेकर जाती हैं और इससे आपकी जो चढ़ाई है वो काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन ये सीढ़ियाँ बुजुर्ग लोगों के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, अगर आप पूरा भैरव बाबा तक का घोड़ा करते हैं तो घोड़ों की कॉस्ट और ज़्यादा हाई है। ये मैंने जो आपको कॉस्ट बताई 1250, ये वैष्णो देवी मंदिर तक है। इसके अलावा हमने इन्हें 500 रुपीज़ पर हॉर्स और पे किया, लेकिन मैं देख रही थी कि लोग बार्गेनिंग भी कर रहे थे। अगर आपको 3-4 घोड़े करने हैं तो ये लोग हो सकता है 250 से लेकर 300 रुपये एक्स्ट्रा लें और आप लोगों को ले जाएं। बीच बीच में ये घोड़े थक भी जाते हैं, आराम भी करते हैं और पानी वगैरह भी पीते हैं। और मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि ये जो घोड़े हैं ये काफ़ी हेल्दी हैं और दिन भर में सिर्फ एक ही चक्कर इन घोड़ों से लगवाया जाता है। जब आप अर्धकुमारी पहुँच जाते हैं उसके बाद से घोड़ों का रास्ता बिल्कुल अलग हो जाता है। ये देखिए, हम अर्धकुमारी पहुँच चुके हैं और घोड़े का रास्ता काफ़ी अलग है। यहाँ पर जनरली आम जनता नहीं आती है, जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो अलग से चलते हैं और इनको चोट लगने का खतरा भी थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी रास्ते पर चलते हैं और इस कारण से उनको चोट लगने का डर रहता है। तो हम लोग अर्धकुमारी के थोड़ी देर बाद रुके थे, ये जगह है हाथी माथा। उसके बाद थोड़ी देर रुकने के बाद इन घोड़ों ने खाना वगैरह खाया, आराम किया। तो गाइस, इस तरह पे ये जो घोड़े खच्चर होते हैं उन्हें खाना खिलाया जाता है, इन थैलियों में डाल के उनके लाइक सर के ऊपर लगा दिया जाता है इस टाइप से। ये तीनों हमारे ही है। हम ऊपर जाएंगे घोड़ों से और नीचे शायद हम पूरा पैदल उतरे या थक गए तो कुछ ले लेंगे घोड़ा वोड़ा ही। तो ये तीन हमारे। उसके बाद हम लोग फिर खुद भी थोड़ा बहुत खाना पीना खाकर आगे की तरफ चले। लेकिन बहुत अच्छा खाना वगैरह यहाँ पर नहीं मिलता है। आपको चने मिल जाएंगे, फ्रूट चाट मिल जाएगी और ज़्यादातर जगह आपको मैगी जरूर मिल जाएगी। फिर हम लोग फाइनली सांझी छत पहुँच गए। जो लोग भी चौपर से आते हैं उनको यहीं पर उतार दिया जाता है। ये भी वैष्णो देवी मंदिर से काफ़ी दूर है और उसके बाद यहाँ से आपको पैदल चलना है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि सांझी छत के बाद जो वैष्णो देवी का रास्ता है वो ज़्यादा दूर तो नहीं है, 2-3 किलोमीटर होगा, लेकिन इसके साथ ही वो चढ़ाई भी नहीं है। वो जनरली एक प्लेन रास्ता है जिसमें आप आराम से चल सकते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई बुजुर्ग है, उसको लगता है कि मैं पैदल नहीं चल सकता, तो यहाँ से भी आपको घोड़ा, पालकी, पिट्ठू, प्रैम सब कुछ मिल जाएगा, घोड़े मिल जाएंगे। आप आराम से घोड़ा करके यहाँ से आगे जा सकते हैं। यहाँ से नीचे देखिए, आपको वैष्णो देवी का भवन दिखना शुरू हो गया है। अब हम लोग काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी भी हम यहाँ तक घोड़े पर ही आए हैं। लेकिन अब जल्दी ही यहाँ से हमारे घोड़े छूटने वाले हैं और आगे का रास्ता उसके बाद हम लोग पैदल तय करेंगे, जो कि ज़्यादा नहीं है। जहाँ पर घोड़े आपको छोड़ते हैं वहाँ से हो सकता है कि करीब 1 किलोमीटर फिर आपका वैष्णो देवी मंदिर रह जाता हो। अब यहाँ से हमें लॉकर दिखने लगा था, लेकिन हमने सोचा कि हम बाद में आगे चल के लॉकर ले लेंगे। ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। उसके बाद हमें आगे कहीं भी लॉकर नहीं मिला, इसलिए जो पहला लॉकर मिले आप उसी में अपना सामान रख दीजिए। ये जो आपको राइट साइड पे जाली दिख रही है, यहीं से लाइन शुरू हो जाती है। जो लाइन है वो कई बार 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी होती है। लॉकर की लाइन में भी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे, इसलिए हमने बाद में डिसाइड किया कि हम लॉकर में सामान नहीं रखेंगे, बल्कि हम लोग बारी बारी से दर्शन करेंगे। यानी कि पहले आधे लोग दर्शन करेंगे और फिर आधे। जब हम लोग वहाँ से निकले तब तक रात हो गई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं, और कुछ एम्बुलेंसेज भी वहाँ पर चलती हैं। ऐसा नहीं है कि उस रास्ते में गाड़ियाँ नहीं हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि आजकल के मौसम में भी, यानी कि जून में भी, अगर आप सिर्फ एक एक स्वेटर लेकर जा रहे हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप एक एक शॉल भी रख लें, क्योंकि शॉल वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर स्वेटर से काम नहीं चल रहा था, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि पैदल नहीं चल रहे हैं और बल्कि घोड़े से या पालकी से जा रहे हैं। अगर आप पैदल भी जा रहे हैं तब भी ऊपर जाके, क्योंकि आप आराम करेंगे बैठकर, इसलिए ज़रूरी है कि आप शॉल रख लें और अगर हो सके तो चादर भी रख लें। एक मोटी सी चादर रखें जो कि रास्ते में बिछाने के काम आएगी, बिछाकर आप बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं।
तो इस तरह से हमारी ये यात्रा ख़त्म हुई। नीचे हमें कटरा नज़र आ रहा था। हम लोग अर्धकुमारी तक पैदल उतरे और हमने रास्ते में देखा कि बहुत सारी एम्बुलेंस जा रही थी, शायद कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी। हम लोग अर्धकुमारी तक तो पैदल उतरे, लेकिन क्योंकि फिर बाद में जो छोटे बच्चे थे उन्हें चलने में तकलीफ़ होने लगी, इसलिए हमने डिसाइड किया, उनकी जिद पर एक्चुअली डिसाइड किया कि हम लोग घोड़ा कर लेंगे। लेकिन घोड़ा करने के बाद जो हमारी हालत हुई अगले 3-4 दिनों तक, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उतरने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। मेरा सजेशन है कि आप पैदल ही उतरें। ये हमारे लेमन ट्री होटल का स्पा है। यहाँ पर स्पा कराने के लिए हम लोग आए क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा टूट चुके थे। तो आप देख सकते हैं कि इनका स्पा रूम अच्छा है और इन्होंने काफ़ी अच्छा स्पा दिया, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग स्पा कराएँ, लेकिन डिस्काउंट ज़रूर मांगें। डिस्काउंट मांगने पर ये लोग डिस्काउंट कर देते हैं, 10-20% तक ये लोग डिस्काउंट दे देंगे आप लोगों को, और इनसे मसाज ज़रूर करवाएं। इसके साथ ही चलते चलते मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि जो कटरा रेलवे स्टेशन है उसका कोड है SDVK, इससे ही आप बुकिंग कराएं। ज़्यादातर लोग कटरा तक की ट्रेन सर्च करते हैं और मैं देख रही थी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, वो लोग जम्मू तवी से ट्रेन पकड़ने वाले थे जबकि वो ट्रेन कटरा तक आती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्टेशन का जो कोड है उसको इन लोगों ने बदल दिया है। स्टेशन का कोड है SDVK, जिसका फुल फॉर्म है श्री वैष्णो देवी कटरा, और ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, स्टेशन का नाम नहीं बदलना चाहिए था। हमारी यात्रा तो यहीं पर समाप्त हुई। थैंक यू सो मच। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपकी यात्रा कैसी रही।